नमस्कार किसान भाइयों, आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सब सेंट्रल जोन के अंदर हम कुछ समस्याएं देख पा रहे हैं सोयाबीन के अंदर, जिसमें दो वायरल समस्याएं मुख्य हैं, एक पीला मोजाइक वायरस और एक सोयाबीन मोजाइक वायरस। इन दोनों समस्याओं के अंदर पीला मोजाइक वायरस के अंदर आप देख पाएंगे कि पीले और हरे कलर के चकते बनते हैं और धीरे 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 वो पौधों में फैलते जाते हैं और अंत के अंदर पूरा का पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। और सोयाबीन मोजाइक वायरस के अंदर जो सोयाबीन के अंदर जो पत्ते हैं वो पूरे कड़क हो जाते हैं, सोयाबीन का ऊपर की जो पूरी पत्तियां होती हैं वो लेदरी हो जाती हैं, एक चमड़े की तरह पूरी कड़क दिखाई देगी। अगर आप उसको छू के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ अलग प्रकार के ये पत्ते हैं नॉर्मल से। इन दोनों बीमारियों का रोकथाम, क्योंकि ये दोनों बीमारियाँ इंसेक्ट से होती हैं ट्रांसमिशन, तो इन दोनों बीमारियों के रोकथाम के लिए जो अनुशंसित केमिकल हैं थाइमिथोक्सोन प्लस लेमडा साइलोथ्रिन, उसके अलावा बीटा साइलोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोरपिड, इन्हीं दोनों अनुशंसित केमिकल का आप छिड़काव करें। और इन इंसेक्टिसाइड के छिड़काव के बाद में अगर इन बीमारियों का प्रकोप थोड़ा और बढ़े तो 15 दिन बाद में दोबारा छिड़काव करें। तथा क्योंकि ये दोनों बीमारी इंसेक्ट से होती हैं जो कीड़ों द्वारा ट्रांसमिट होती हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी रोग ग्रसित पौधे हैं उनको उखाड़ कर किसी दूर खेत में या किसी दूसरी जगह जहाँ से ये वापस नहीं आए वहाँ से उन्हें नष्ट कर दें। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए आप इसके अलावा येलो स्टिकी ट्रैप भी लगा सकते हैं, जिससे कि भी सफ़ेद मक्खी का पॉपुलेशन कम होगी। और अगर आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में ये बीमारी बारी बारी में आ रही है तो जो रेसिस्टेंट वैरायटी है उनको ग्रो करवाएं।